नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं प्रतापगढ़ के मनगढ़ धाम, तो चलिए चलते हैं। फाइनली हम लोगों ने मेन गेट से एंट्री कर ली है। सामने जाने पे आपको कृष्ण भगवान और अर्जुन का महाभारत का सीन दिखाई देगा। आप देख सकते हैं पीछे पूरा महाभारत का सीन है और कृष्ण भगवान और अर्जुन रथ पर हैं। काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, लोग देखो आप सेल्फी ले रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं भक्ति धाम, अब चलेंगे वहां पर। जूता उतारना पड़ेगा, बॉक्स बने हुए हैं वहीं पर रखना पड़ेगा हमें। हमें एक टोकन मिलेगा, उसी को दिखाकर जूता फिर से वापस मिलेगा। आप देख सकते हैं श्री जगत गुरु कृपालु दास जी द्वारा बनाया गया, 1996 में शायद इसकी नींव पड़ी थी और 2005 में जाके बनकर तैयार हुआ था। तब से काफ़ी ज़्यादा अपडेट। भाई कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पर जूते से लेकर पार्किंग तक सब कुछ फ्री है। तो आप बेझिझक अपना जूता यहाँ पर, एक टोकन आपको दिया जाता है, वहीं पर रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। मेन मंदिर आपको दिख रहा होगा वो सामने हमारे लेफ्ट साइड में। ये राइट साइड से एक रास्ता गया हुआ है मंदिर तक, तो चलिए इसी रास्ते से चलते हैं। आप देख सकते हैं थोड़े बहुत आदमी आ चुके हैं। 2 बजे इसका गेट खुलता है, इसीलिए अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी 2:15 हो रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या माहौल है यहाँ का। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन मैं लॉकडाउन के पहले ही आया था, मतलब कि लगभग मुझे 2 साल हो गए यहाँ पर आए हुए। अब तो खाली खाली सा लगता है, क्योंकि लोग भी वैसे ठंडी का माहौल है, कोई यहाँ पर आता जाता नहीं ज़्यादा। आप देख सकते हैं ग्राउंड पूरा खाली है, और सामने ये रहा हमारा भक्ति धाम मंदिर। आप देख सकते हैं पूरा काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जो लोग आए होंगे उन्हें तो पता होगा कैसा है भक्ति मंदिर। बाकी जो भाई लोग नहीं आए वो एक बार आकर यहाँ पर देखें ज़रूर, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसे बनाया गया है और अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अपडेट पर अपडेट हो रहे हैं। भाई आपने कृपालु दास को तो कई बार देखा होगा, तो चलिए आपको दिखाते हैं उनकी पत्नी को। ये रही पद्मा, माँ पद्मा इन्हें कहा जाता है, परम पूजनीय माँ पद्मा। ये कृपालु दास जी के वाइफ हैं, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको कृष्ण भगवान की जगह जगह पर मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि कृपालु दास कृष्ण भगवान के बहुत बड़े फैन थे, मतलब भक्त थे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं यहाँ मंदिर में। भाई ये जो भक्ति मंदिर के लेफ्ट साइड में एक पार्क है, इसमें द्वापर त्रेता और कलयुग जो जो घटनाएं हुई हैं इन तीनों युग में, उसे काफ़ी अच्छे से दर्शाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान से शुरू किया गया है और राम सेतु का भी यहां पर काफ़ी अच्छा चित्रण किया गया है। तो चलिए आपको पूरा दिखाते हैं।
भाई इतनी बड़ी मंदिर तो दान के पैसे से नहीं बन सकती, जरूर कृपालु दास जी के हाथों में कुबेर का खजाना लगा होगा तभी इतनी बड़ी मंदिर बना के। भाई हमको करीब 2 घंटे हो गए यहाँ पर आए हुए, खूब घूमा, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर देखकर मंदिर को। अगर आप भी आइए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है, कोई व्यर्थ नहीं है। हम 45 किलोमीटर से आए थे, अगर 50 से भी आना पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फुल मज़ा आया। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जगह पे।